राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। कहीं स्कूल में शिक्षक नहीं आते तो कहीं पूरे समय स्कूल चलता नहीं, और जहां चलता है वहां बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। इसका उदाहरण है भीलवाड़ा, जहां पर जिला कलेक्टर ने इन्हीं सब आरोपों को लेकर एक स्कूल के हेडमास्टर समेत 8 शिक्षकों को एपीओ कर दिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ओमकार सिंह ने मंगलवार को भीलवाड़ा शहर के कई राजकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। एक स्कूल में बच्चों की अनावश्यक छुट्टी कर दी गई थी। स्कूल के हेडमास्टर ने तर्क देने की कोशिश की कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग की वजह से छुट्टी कर दी गई। तब उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को हेडमास्टर ओम प्रकाश गनेरिया समेत 8 शिक्षकों को एपीओ करने के निर्देश दिए। यहाँ के हेडमास्टर और जो टीचर्स हैं वो हैं, बच्चे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमने पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बैठक बुलाई है, लेकिन नहीं तो कोई पेरेंट्स हैं नहीं कोई बच्चे हैं। इन्होंने जो यहाँ पर मिड डे मील जो भी जो गांधी फाउंडेशन से सप्लाई हो रहा है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और यहाँ जो मैंने लोकल पेरेंट्स से मैंने बात की है, जो यहाँ जो आसपास में जो लोग रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि स्कूल 11-12 बजे कभी खुलता है, बच्चे कुछ लोग आते हैं, बाकी आफ्टर सम टाइम चले जाते हैं। दरअसल जिला कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनावास में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जब हमने मास्टर साहब से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्यों एपीओ किया गया है। कैसे कहूंगा एपीओ करना, एपीओ कर लें किस कारण से, ये हमारे खुद को पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं एपीओ, ये हमारे को तो पता ही नहीं। जान हम जो कार्यक्रम को जैसे सुचारू रूप से कर ही रहे, अब ये तो हमारे ऊपर नहीं कि एपीओ क्यों करना है क्या है। बाद में कलेक्टर साहब ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय दादाबाड़ी धान मंडी समेत कई स्कूलों का निरीक्षण किया और वहां उन्होंने छात्रों से राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम पूछे तो कुछ बच्चे नहीं बता पाए। बच्चों से राजस्थान की राजधानी का नाम भी पूछा गया। प्रधानमंत्री जी कौन है? चलो अपने राजस्थान की राजधानी कहां पर है? दिल्ली। और छात्रों ने राज्य की राजधानी बताई भी तो भीलवाड़ा। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाई का ये स्तर देख तो कोई भी यही कहेगा कि पढ़ाई को लेकर वहाँ का शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है, जबकि देश का प्रधानमंत्री कौन है उसके राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की राजधानी कहाँ है, ये जानकारी आमतौर पर छोटे से बच्चे भी बता देते हैं। प्रमोद तिवारी, सहारा न्यूज ब्यूरो, भीलवाड़ा।